स्टारबक्स का वाटर, नो कॉफी, ओनली वाटर। स्टारबक्स का आपने कॉफी पिया होगा, पानी नहीं पिया होगा तो स्टार। बट एक बहुत बड़ा पंगा हो गया था डिकैथलॉन, इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा था और उससे बहुत मतलब मेरे लिए तो वो नॉर्मल था। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, ये नॉर्मल है। कह रहा आपके लिए नॉर्मल है लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग बर्बादी के कगार पे आ गए थे कि लोग आ सकते थे, हंगामा कर सकते थे, बोल सकते थे। हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू मनी ब्लॉग। अभी आज संडे है जबकि आज सोचता हूँ थोड़ा लेट उठूँ, क्योंकि जिम 7 बजे से खुलता है, तो अगर 6:30 बजे भी उठता हूँ तो 7:15 तक मैं जिम जा सकता हूँ। लेकिन आज संडे है, आज मेरा इवेंट है डिकैथलॉन का, वर्ल्ड साइकिल डे पे एक इवेंट है। वर्ल्ड साइकिल डे तो वीकडे में पड़ा था तो उन्होंने इवेंट उस दिन रखा नहीं, आज वीकेंड है, संडे है तो उस दिन उन्होंने वो इवेंट रखा है। तो मैं डिकैथलॉन जा रहा हूँ, डिकैथलॉन का फर्स्ट इवेंट मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ कैसा रहता है मेरा, क्या मेरा, मैंने पहले कभी डिकैथलॉन का कोई इवेंट का एक्सपीरियंस नहीं किया, तो आज साइकिलिंग इवेंट है, आज जाता हूँ। 6:30 बजे से रिपोर्ट, 6:30 बजे स्टार्ट है जो इवेंट है, 6 बजे वहाँ पहुँचना है, अपना जो भी है वेब एंड ऑल कलेक्ट करना है, जो भी एसेसरी जो भी आइटम्स है वो कलेक्ट करना है, उसका 6:30 बजे से स्टार्ट होगा। तो अभी जस्ट कितना बजे, 5:35 हो रहा है, मुझे यहाँ से 15 मिनट लगेगा, ज़्यादा दूर नहीं है मेरे यहाँ से, करीब 6 किलोमीटर्स होगा, तो मैं पहुँच जाऊँगा आराम से, 15 से 20 मिनट लगेगा, पहुँच जाऊँगा। अभी मैं रेडी हो गया हूँ, फुल फ्रेश व्रेश होके, जैसे बनाना खाना है, रेडी होना है। टेंशन सिर्फ इस बात की है कि बारिश ना आ जाए, अभी तो बारिश बंद है बट बारिश थी, अगर आप ये रेलिंग देखो रात में बारिश हुई है मेरी यहाँ पर पूरी, तो टेंशन इस बात की कि मैं रास्ते में अगर बारिश ना आ जाए, भीगने से मतलब कचकच पचपच तो हो जाता है, लेकिन भीगना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जब भीगना पड़ेगा तो कोई बात नहीं, इसीलिए मोबाइल की पूरी सेफ्टी रख के जाऊँगा, जिप में रख के जाऊँगा और अपना गोप्रो ले जाऊँगा। तो जाता हूँ, देखता हूँ डिकैथलॉन का इवेंट है कैसा, आप भी देखो भाई कैसा इवेंट है। तो चलिए मैं निकलता हूँ, देखता हूँ वहाँ क्या क्या मिलता है, कैसा रहता है, और 8:30 बजे तक, आई थिंक 8:30-9 बजे तक वो एंड हो जाएगा, उसके बाद मैं घर आ जाऊँगा, देखता हूँ क्या है उसमें। मतलब डिस्क्रिप्शन में लिखा भी नहीं था कि 10 किलोमीटर्स है, 5 किलोमीटर्स है, 15 किलोमीटर्स है, किधर जाना है, कैसे जाना है, कुछ नहीं लिखा था। तो बस लिखा था 6:30 बजे से इवेंट स्टार्ट होगा, या तो लिखा होगा मैंने मिस किया वो मुझे नहीं पता। तो अभी जाते हैं, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, फर्स्ट टाइम है मेरा, तो चलिए निकलते हैं। ये रहा वो स्टोर, अगर आपको दिख रहा है स्टोर, ये स्टोर है जस्ट हाईवे के बगल में ही है, तो आगे से यू टर्न लेना है और पहुंचना है यहाँ स्टोर पे, तो आगे से वहाँ से यू टर्न है, यू टर्न देखिए हाईवे के जस्ट बगल में है। Some ride and route instruction from the organizer. पॉइंट पे आ गया, मतलब अब फिनिश पॉइंट उसको बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे फिनिश किया है, लेकिन तो आगे से यू टर्न लेके आता हूँ। कई लोग ऑलरेडी पहले से पहुँच गए हैं और मैं भी पहुँच रहा हूँ, कुछ लोग पीछे हैं, देखते हैं क्या है एंड में। चलो आगे देखें क्या मिल रहा है आज। स्टारबक्स का वाटर,
नो कॉफ़ी, ओनली वाटर। कॉफ़ी टेस्टिंग होने वाली है वहाँ पे, कुछ लोग हैं अभी तो वाटर दिया, आई थिंक कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, तुम लोग वाटर पियेंगे, थोड़ा अपने मुंह को फ्रेश करेंगे, उसके बाद कॉफ़ी ट्राई करेंगे। तो लेट्स सी कैसा रहता है, क्या इवेंट है, क्या है, आई डोंट नो। पी लो, ताकि जो खाया हो वो चला जाए, कॉफ़ी का टेस्ट प्रॉपर है। हाँ पैलेट क्लियर कर रहे थे। हाँ पैलेट क्लियर हो रहा था भाई। स्टारबक्स का आपने कॉफ़ी पिया होगा, पानी नहीं पिया होगा तो स्टार। चाय कॉफी अमेरिकानो, अमेरिकानो। नॉट यूज्ड टू विदाउट शुगर, पता नहीं है। कौन कितनी तेज सिप करेगा। चले अंकित भाई, मिलेंगे अब जल्दी किसी ना किसी शॉर्ट राइड पे। मैं तो नेक्स्ट वीकेंड तो हूँ नहीं, द्वारका जा रहा हूँ। मैं भी जा रहा हूँ नेक्स्ट वीकेंड, नागपुर जा रहे हो। हाँ फिर बीच में कनेक्ट करके आ जाऊँगा, तो मिलेंगे। चलो यार मज़ा आया। जस्ट बैक फ्रॉम माई इवेंट, मैं मेडल दिखा देता हूँ। दिस इज द मेडल, उस पर क्या लिखा है, रेडी टू राइड DCC डिकैथलॉन साइकिलिंग क्लब, इनका भी कुछ साइकिलिंग क्लब डिकैथलॉन प्ले फिनिशर। तो राइड बहुत अच्छी थी, मैं यहाँ से गया 6 किलोमीटर एंड देन 20 किलोमीटर्स की राइड थी, 10 किलोमीटर गो, 10 किलोमीटर डाउन और फिर 6-7 किलोमीटर आया, तो मेरी 30+ किलोमीटर की राइड होगी। मॉर्निंग बहुत अच्छी रही, मौसम बहुत अच्छा था, मज़ा आया, बट एक बहुत बड़ा पंगा हो गया था डिकैथलॉन, इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा था और उससे बहुत बहुत मतलब मेरे लिए तो वो नॉर्मल था। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, ये नॉर्मल है, कह रहा आपके लिए नॉर्मल है लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग बर्बादी के कगार पे आ गए थे कि लोग आ सकते थे, हंगामा कर सकते थे, बोल सकते थे। तो वो पंगा पता है क्या था, 550-600 कुछ तो ऐसे रजिस्ट्रेशन फीस था, तो उसमें बिब इंक्लूडेड था, टी शर्ट इंक्लूडेड था, दिस मेडल और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। तो ब्रेकफास्ट मेडल तो ये राइड के डे मिलता है, बट बिब डिस्ट्रीब्यूशन एंड टी शर्ट डिस्ट्रीब्यूशन वो पहले एक दिन पहले रहता है या सेम डे आधे घंटे पहले मिलता है। इनका क्या पंगा था ना, इन्होंने किसी वेंडर को दिया था वो टी शर्ट प्रिंट कराने के लिए, बट उसने टाइम पर प्रिंट ही नहीं किया, तो आज इवेंट और आज भी टी शर्ट नहीं आया था। तो कई लोग हंगामा कर रहे थे या किए होंगे, मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं, कि भाई पैसे लिए हो, आज ही इवेंट है, इवेंट वाली जर्सी ही नहीं है, तो सब लोग अपना अपना जो टी शर्ट पहन के गए थे वो किए थे। बट एनी वे, आप लोग आए थे जितने लोग को आना था, बारिश का मौसम था, कई लोग नहीं आए होंगे, 25-30 लोग नहीं आए होंगे, बट 60-70 लोग थे और आए, अच्छा था, राइड किया, लौट किया, ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा मैं डिकैथलॉन के अंदर भी घूमा, काफ़ी चीज़ें मुझे लेनी है, तो अभी जाता हूँ आज वो भी शॉपिंग करके आता हूँ। बट ओवरऑल इट वॉज फन, वो थोड़ा बहुत ग्लिच आ जाता है, बट उससे हमारे जीवन पे कोई असर नहीं हुआ ना, तो जब तक तो जीवन पे, शरीर पे, माइंड पे उतना असर नहीं होगा तब तक कोई दिक्कत नहीं है, क्यों अपना खून जलाना। तो बट ओवरऑल इट वॉज फन, राइड अच्छी थी, ये मिला और लौट के आए, बहुत अच्छा लगा। ब्रेकफास्ट जैसे अभी केला खाया है, तो देखते हैं क्या ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, अभी प्लान करते हैं। तब लोग जग गए, मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मैं भी चलता हूँ नहा लेता हूँ, क्योंकि मेरी पूरी टी शर्ट पीछे
पूरा मिट्टी ही मिट्टी हो गया साइकिल से, क्योंकि मेरे पास मड गार्ड नहीं है। मिट्टी मिट्टी हो गया, मैं भी चलता हूँ, फ्रेश होता हूँ, नहाता हूँ और इस ब्लॉग को इसी के साथ यहाँ पे एंड करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। डिकैथलॉन का देखा होगा, साइकिलिंग वाइकलिंग उनकी कम्युनिटी भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय श्री राम।